मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे, ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे, पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है, ये गुजरात में भी गए, वहाँ 13% वोट लेके आए, ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं और जहाज़ों में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, और देश में स्कूल खोलने वालों को और दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ से 72,000-75,000 करोड़ तक लेके जाने वालों को, देश की, दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कह रहे हैं जेल में भेजेंगे। तो ये बहुत ही कायरतापूर्ण कदम है, आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। ये अकेला मनीष जी को नहीं, पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा, कोई भी इनके खिलाफ, तो अगर एक कोई किसी कॉमेडियन ने कमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था, तो मतलब ये नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के बिना कुछ हो, लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। हमारा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। स्कूलों में अक्सर लिखा रहता है, अगर आप छोटों के लिए स्कूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना, ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो।